नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नगर परिषद प्रधान के लिए सभी पक्षों में बनी सर्वसम्मति। नगर परिषद सिरसा के प्रधान पद को लेकर के आज भाजपा नेताओं व सिरसा विधायक गोपाल कांडा के बीच में लंबे दौर की बातचीत हुई। दोपहर तक चली चर्चा में और उसके बाद प्रधान को लेकर के गोपाल कांडा व भाजपा के बीच सर्वसम्मति भी बन गई। साथ ही संभावित प्रधान का नाम भी फाइनल हो चुका है। वहीं सूत्रों के अनुसार प्रधान पद का पार्षद सुमन शर्मा का नाम तय हुआ है, जिसमें नगर परिषद के लगभग सभी पार्षदों ने अपनी सहमति व्यक्त की। पलपल सिरसा से खास रिपोर्ट। बस मीटिंग में ये हुआ कि जी सर्वसम्मति से सबकी कोशिश यही है कि सर्वसम्मति से जो है कि क्योंकि एक जो इम्प्रेशन जाता है नगर परिषद का, तो सब उस परिपाटी से ऊपर उठ के जो है वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि किस तरह से कहते हैं कि वो उसको लेके उधर चला गया उधर चला गया। ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना, वो सिरसा है एक नया उदाहरण सबके सामने पेश करना चाहता है कि सिरसा के लोग जो है वो विकास में विश्वास रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके सब सर्वसम्मति से बनाएंगे, कोई चुनाव नहीं होगा। मुझे पूरी इस बात की अपेक्षा है, उम्मीद है सभी पार्षदों से। और आपके सामने जिस तरह से कितने पार्षद तो आपके सामने ही खड़े हैं यहाँ पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनकी जो कोशिश है, वो कोशिश रंग लाएगी। देखिए, हम फिगर्स में जा ही नहीं रहे। मैंने आपको बताया कि जैसे जिस तरह की एक परिपाटी चली आ रही है एक हॉर्स ट्रेडिंग वाली, उसको अलग हटके सिरसा कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश में है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो है ना, सभी को इस बात की खुशी होगी, जो निर्णय सब मिलकर लेंगे, पूरे सिरसा वासियों को उस बात की बहुत खुशी होगी। और सबके सब इस बात में विश्वास रखते हैं कि भाई विकास होना चाहिए और विकास। मीटिंग में नाम फाइनल हो गया आपस में, जो ड्यूटी लगी हुई थी सब लोगों की, बहन जी की, बाड़िया जी की, चोपड़ा साहब की, मेरी, क्योंकि देखो शहर के विकास के लिए सभी जो कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, उनको समर्थन दिया है तो, और वो दिल से शहर का काम कर रहे हैं। और आपको आपने देखा भी कितना पुराना रुका हुआ काम अभी 10 दिन पहले उन्होंने करके दिया। तो उन्हीं की सोच के साथ सब ने एक फैसला कर लिया, एक मन बना लिया कि इसको उम्मीदवार बनाना है और शहर के विकास के लिए, तो डन कर दिया है, सभी ने मोहर लगा दिए और नाम शाम को आपको हम डिस्क्लोज कर देंगे भी, कल आपके सिरसा की ये चेयरमैन बन रहे समिति से भाजपा के। बस मैं मेरा घारा जब मैं उनके चले गया उनके पास में मेरा घारा आप सोच लो मैं जब एक बात सुनाओ एक बात पंचायती की बात नहीं, आप अगर किसी के हो जाते हो तो फिर आप खुद के नहीं रहते, ठीक है ना। जब मैं हुई और मैं तो वैसे ही मेरी जगह में तो आरएसएस का खून नहीं, और पूरे हिंदुस्तान को पता, आपको तो पता ही होगा सिरसा के बात करना।